मेरा जय हिंद, नमस्कार, आगा बढ़ स्वीकार तो करें। साथियों दो मिनट मेरे हैं, दो मिनट नहीं मैं डेढ़ मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। न इधर उधर की बात कर दू, न इधर उधर की बात कर दू, ये बता कि ये गुरिस्तान क्यों लूटा। हमें इस बात पर गौर देना है, देश आजाद होने के बाद, भारतीय संविधान लागू होने के बाद ये कारवां क्यों लूटा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, आखिर ये तीनों बातें क्यों नहीं हो पा रही। काफी प्रयास करने के बाद, काफी फसलबाजी करने के बाद, गांव गांव घूमने के बाद हम क्यों इकट्ठा नहीं हो पाते। जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, जमीन पर काम नहीं करेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। साथियों काम तो करना ही पड़ेगा, और जो हमारे गरीब लोग हैं, दलित हैं, गांव में बसते हैं, उनके मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अपने आप सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। सत्ता तो आप लोग प्राप्त कराएंगे, क्योंकि आपकी फोटो में वो ताकत है कि आप चाहें तो मुल्कों की, विदेशों की, देश की तस्वीर दो मिनट में बिगाड़ दें और दो मिनट में बना दें। अभी कल के अखबार में निकला है, योगी साहब कहते हैं घर घर जाकर के बच्चों को देखेंगे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। अरे आप आज देखेंगे, बच्चों को देखना तो मैं दिखाता हूं। चलिए आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितने बच्चे भीख मांगते हैं, जाइए कालका मंदिर पर, जाइए मस्जिदों की सीढ़ियों पर, सुबह को देखिए बच्चे अपने कंधों पर जो है क्या कहते हैं बोरी लेकर के कूड़ा इकट्ठा करते हैं, और जो झूठा मिल जाता है उसको खा करके पेट भरते हैं। साथियों हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा। ये मुल्क, ये देश किसी के पिताजी की जागीर नहीं है, किसी की निजी जागीर नहीं है, ये आपकी जागीर है, मेरी जागीर है, पूरे मुल्क की जागीर है, हिंदू मुस्लिम सबकी जागीर है, सबका इसमें हिस्सा है। अपनी ताकत को पहचानिए, ये हिस्सा हमको लेना पड़ेगा, राजी से, राजी से नहीं, गैर राजी से, मुझी से लेना पड़ेगा। कभी सिर्फ नहीं, आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं। अपनी ताकत को पहचानिए, आपकी एक वोट कहां से कहां ले जा सकती है, और किसी को जमीन से नीचे ले जा सकती है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि काम करिए, जब तक काम नहीं करेंगे, काम कैसे होता है मेरा अपना मानना है। आप सड़क पे जा रहे हैं, चावारी की दुकान पे बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपने पार्टी की चर्चा करिए, अपने एयरलाइंस की चर्चा करिए, लोग पूछेंगे भाई ये क्या है। काम चलता रहेगा, भीड़ इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार सबको जिंदाबाद बोलूंगा, मेरे साथ जिंदाबाद का नारा लगाओ, भारत देश जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश का नागरिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, जिंदाबाद, गरीब मजदूर किसान सभी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।